गद्दीनाथ मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका के आत्महत्या मामले को लेकर हमीरपुर डिग्री कॉलेज बाल स्कूल के छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए प्रदर्शन करने में लग गए हैं। वहीं दोपहर के समय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स आत्महत्या मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमीरपुर डिग्री कॉलेज के SFI छात्रों ने बाजार में रोष रैली निकाली और मृतिका मोनिका के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गत दिनों मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका के आत्महत्या मामले को लेकर हमीरपुर डिग्री कॉलेज बाल स्कूल के छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए प्रदर्शन करने में लग गए हैं। वहीं दोपहर के समय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स आत्महत्या मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमीरपुर डिग्री कॉलेज के SFI छात्रों ने बाजार में रोष रैली निकाली और मृतका मोनिका के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। SFI के छात्रों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग लगाई है। मृतका मोनिका के भाई विशाल ने कहा कि मृतका मोनिका की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, इसलिए अब कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत सप्ताह ही स्टाफ नर्स मोनिका ने बारल गांव में किराए के मकान में पंखे से लटकर अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें बार सिस्टर को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वही मामले में परिजनों ने बोटा चौक पर शव को रखकर भी काफी देर तक न्याय की मांग की थी, लेकिन इतने दिन बीतने पर भी पुलिस के द्वारा पड़ताल ही किए जाने पर कॉलेज के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। तीन तारीख को मेरी सिस्टर की सुसाइड हुआ है और तब से लेके अब अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इवन उसने अपनी जो भी उसको टॉर्चर करते थे उनके नाम लिख के दिए हुए हैं। वॉर्ड सिस्टर क्लियरली लिखा हुआ है तो कितनी वॉर्ड सिस्टर है, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए, इंटेरोगेट करके पूछना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के रोज में हमने ये रैली रखी है।